वोल्टन प्रेजेंट्स बजरंगी, एक इलेक्ट्रिक लोडर जो उठाएगी 300 किलो वजन एक बार में और ये चलेगी 100 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में, वो भी बिना लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, खासकर गांव में लोग अक्सर भारी भरकम सामान जैसे पानी की जार, दूध, फल, बीज, खाद और सब्जी जैसे अन्य भारी भरकम सामग्री ढोने के लिए अपने मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके लोडर बनाते हैं। और वैसे तो इस तरह की जुगाड़ इनके लिए लाइफ सेविंग का काम करता है, बट कई बार अनप्रोफेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से लोडर ज्योमेट्रिकली स्टेबल नहीं बन पाता है, इसलिए कई बार हैवी लोड एंड अनस्टेबिलिटी की वजह से इन्हें एक्सीडेंट का भी शिकार होना पड़ता है। ऊपर से इकोनॉमिकल भी नहीं होता है और पेट्रोल का खर्चा एंड पॉल्यूशन तो है ही, तो इसलिए ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वोल्टन ने बजरंगी को इस तरह डिजाइन किया है जिसे ये एक बार में सेफली 300 किलो वजन उठा सकता है इंक्लूडिंग राइडर, और ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल भी है और इको फ्रेंडली भी। बट सबसे अच्छी बात, इसे चलाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे अगर इसकी लोडिंग डॉक साइज की बात करें तो इसकी साइज है 4 फीट बाय 2.5 फीट, एंड आई थिंक इस लोडर के लिए ये इनाफ है। बट फिर भी अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इस डॉक की तीनों पैनल को अनफोल्ड कर इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एनीवे, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी फ्रेम के लिए इन्होंने माइल्ड स्टील का यूज़ किया है और इस लोडर की टोटल वेट है 78 kg। वैसे अगर आप देखोगे तो इसमें पैडल भी दिया गया है, हालांकि फुल लोड के साथ आप पैडल नहीं कर पाओगे, बट एज पर कंपनीज क्लेम बिना लोड के आप इसे पैडल कर पाओगे, उतना डिफिकल्टी फील नहीं होगा क्योंकि शाफ्ट की दोनों साइड में बेयरिंग लगाया गया है। इसकी अगर पावर ड्राइव की बात करें तो इस लोडर को चलाने के लिए कंपनी ने 224 वोल्ट 250 वॉट की PMDC मोटर को काम में लिया है जो रियर शाफ्ट को ड्राइव करता है और इन टोटल 500 वॉट की पावर जनरेट करता है। और रही बात इसकी स्पीड की, तो इसकी टॉप स्पीड है 25 kmph एंड विच इज एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इस लोडर की पावर सप्लाई के लिए कंपनी ने डिटैचेबल लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी का यूज किया है और ये दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, 78 एंड 108 Ah। ये बैटरी हाईली एफिशिएंट है और ये 1800 चार्जिंग साइकिल्स के साथ आता है, वो भी 3 ईयर्स की गारंटीड परफॉर्मेंस के साथ। वैसे कंपनी बैटरी की ओवरऑल लाइफ 5 साल की क्लेम करती है विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ 55,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। वेल, अगर चार्जिंग की बात करें तो 78 वेरिएंट के साथ आपको 15 एम्पेयर एंड 108 Ah के साथ आपको 25 एम्पेयर की फास्ट चार्जर दिया जाएगा और जिसकी मदद से आप इन बैटरीज को 4 से 8 घंटे में फुल्ली चार्ज कर पाएंगे। एंड देन पर चार्ज 78 के साथ कंपनी 40 to 50 kilometers एंड 108 Ah के साथ कंपनी 80 to 100 kilometers का रेंज क्लेम करती है, वो भी लोड के साथ ऑन थ्रॉटल मोड। इस इलेक्ट्रिक लोडर में आपको 320 इंचेस की व्हील सेट देखने को मिलेगा विद मेटल मड गार्ड्स और साथ में फ्रंट में फुल डबल स्ट्रोक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी दिया गया है जो 150 ट्रैवल के साथ आता है, मतलब रफ रोड्स में ये जर्क्स रिड्यूस करने में काफी मदद करेगा। इसके अलावा ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में ड्रम ब्रेक यूज किया गया है जो कि नॉर्मल डिस्क के कंपैरिजन में काफी बेहतर और एफिशिएंट भी होता है। बट अच्छी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक कट ऑफ सेंसर के साथ आता है, मतलब जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे ये तुरंत मोटर को कट ऑफ कर देगा और लोडर को एक्सीडेंटली आगे बढ़ने से रोकेगा। इसके अलावा सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए कंपनी ने इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए MCB लगाया है और साथ में रोड सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिक हॉर्न, हेडलाइट, इंडिकेटर, हैजर्ड लाइट, ब्रेक लाइट और बेसिक सिक्योरिटी के लिए इग्निशन की लॉक जैसी फीचर भी इसमें दिया है। और ये सारे स्पेक्स एंड फीचर्स के लिए कंपनी ने इसकी कीमत रखी है 78 Ah वेरिएंट की 90,000 रुपीज एंड 108 Ah वेरिएंट की 1,25,000 रुपीज। और इसे खरीदने पे इसके साथ आपको 3 साल की वारंटी मिलेगा ऑन बैटरी एंड 1 ईयर ऑन दी मोटर। तो देखा जाए तो वैसे तो ये इलेक्ट्रिक लोडर काफी सही लग रहा है, ये पावरफुल होने के साथ साथ कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल भी है क्योंकि मार्केट में ऑल्टरनेटिव ई रिक्शा लोडर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इनकी कीमत स्टार्ट होती है 1,60,000 से लेकर मोर देन 2 लाख रुपीज।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बट हाँ, प्रैक्टिकली ये कितना सफल होगा वो तो खैर जब लोग इसे रियल टाइम यूज़ करेंगे तभी पता चल पाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, मैं अजय साइनिंग ऑफ।